वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या 12 एक्स इक्वल टू 36 है, तो क्या करेंगे, x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि वो सही आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए फिर वेरीफिकेशन करते हैं, और वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। इसमें आपने ये करना है कि ना, आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको यहीं पर रहने दें, 36 को यहीं पर रहने दें, 12 इधर एज ए प्रोडक्ट है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 36 के साथ आके। ये आप 36 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कटिंग कर लें, 12 वन टाइम, 12 12 कितने टाइम, 36 होता है 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये चेक करना है कि x की वैल्यू 3 ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके लिए वेरिफिकेशन का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। वो कैसे होती है, जो वैल्यू आई है ना उसको आपने इक्वेशन में पुट कर देना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो है वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो 12 का 12 आ गया, x की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पर पुट कर दो 3 इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पर 36 पुट कर दो, 12 3 टाइम्स 36 आ गया इक्वल टू 36, तो 36 इक्वल हो गया 36 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जब हमने 3 पुट करवाया इस इक्वेशन में। इसका क्या मीन है कि ये जो आपके पास है वैल्यू आई वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर वेरीफाई करने के लिए ये काम करते हैं, जो आंसर आया उसी को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। अगर आंसर इक्वल आ गया तो ये सॉल्यूशन हमारे पास करेक्ट है, आंसर ये बिल्कुल ठीक आ गया वेरिएबल का। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक